नगर परिषद हमीरपुर में स्वच्छता अभियान के तहत सफाई अभियान में बेहतर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों व सहायता समूह के सदस्यों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। स्वच्छता अभियान के प्रथम चरण में इन लोगों ने बेहतरीन काम किया था। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधायक नरेंद्र ठाकुर ने शिरकत की और बेहतर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। नगर परिषद हमीरपुर में स्वच्छता अभियान के तहत सफाई अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने टाउन हॉल के बाहर सफाई अभियान कर इस कार्यक्रम की आगाज किया। इस मौके पर नगर परिषद के सभी पार्षद बढ़ चढ़कर मौजूद रहे और उन्होंने भी सफाई अभियान में अपनी भागीदारी निभाई। इसके अलावा सफाई व्यवस्था कैसे कायम रहे इसको लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई, ताकि शहर प्रदेश भर में स्वच्छता में अव्वल आए। इसी थीम को लेकर नगर परिषद के साथ आगामी रणनीति भी बनाई गई। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश में स्वच्छता अभियान 2 की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद में स्वच्छता अभियान के तहत सफाई अभियान में बेहतरीन काम करने वाले कर्मचारियों स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को सम्मानित किया गया है। उन्होंने लोगों से अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान भी किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान का सेकंड पार्ट जो शुरू किया है, तो उसी के सिलसिले के चलते आज हमीरपुर कमेटी के जो जितने भी हम सफाई कर्मचारी थे या जो सहायता हमारे समूह थे, जिनका पिछले टेन्योर में सफाई के मामले में बहुत अच्छा जिन्होंने काम किया है, आज कमेटी की तरफ से उनको हमने सर्टिफिकेट भी दिए और आगे आने वाले समय में हमीरपुर शहर को कैसे साफ रखना है उसके बारे में भी चर्चा हुई। इसके बाद भी हम अलग से एक कमेटी में बैठ रहे हैं जिसमें सभी वार्ड पार्षद होंगे। इसी सिलसिले में आज ये कार्यक्रम हमने रखा था। इसके बाद हम सभी मिलकर थोड़ा बहुत एक शो ऑफ जो सफाई का वो भी करेंगे और हम ये चाहते हैं कि हमीरपुर हमारा जो टाउन है काफ़ी बदलाव इसमें हुआ है, आप भी महसूस करते हैं और आने वाले समय में और अच्छा लगे, हिमाचल का नंबर 1 हमारा शहर ये बने, इसके लिए हम सारे प्रयासरत हैं और हम पूर्ण आशा भी रखते हैं कि आने वाले समय में हमारा हमीरपुर शहर जो है वो हिमाचल प्रदेश में नंबर 1 आएगा। इसके लिए मैं सभी जो हमारे वार्ड परिषद हैं, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है और हमारे सफाई कर्मचारी हैं, इन सब का सहयोग हमें पूर्णतः मिलेगा और जो हमारा एक मिशन है हम उसमें कामयाब रहेंगे। धन्यवाद।